दिस वाज सोनू मिश्रा बैक विद न्यू वीडियो। गाइस वीडियो आपके सामने बहुत प्रस्तुत है, प्रेजेंट है, उपस्थित है, जो भी बोल लो वॉट एवर। आपके सामने ये सामने रखा हुआ मैंने क्लोबेटा शोल को यूज कैसे करना है इस वीडियो में ये बताऊंगा आप लोगों को। दोस्तों दो चीज़ हमारे बालों के लिए, एक टॉपसर एंड दूसरा है क्लोबेटा शोल। आप इन दोनों को मिनोक्सिडिल के साथ यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। बस शर्त ये है कि आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लोगे, दैट्स बेटर। दोस्तों इसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है, ये है क्लोबेटा शोल जो बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है यार बालों के लिए। टॉपसर एंड क्लोबेटा शोल में एक अंतर है कि उसको जब लगाते हो बालों में तो जब आप टॉपसर को लगाते हो तो ठंडापन महसूस होता है, एंड जब आप क्लोबेटा शोल को लगाते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा हमारे सर में गर्म गर्म सा महसूस होता है। इसकी प्राइस है वो 25 रुपये, एंड आप दोनों को मिनोक्सिडिल के साथ में यूज कर सकते हो। तो आयो गाई इसको यहाँ से खोलकर मैं अपने ले लेता हूँ हाथ में। ये रहा हमारे सामने जो बोतल है, एंड ये दिख रहा होगा आपको कैमरे के सामने, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसको। ये दिखा आपको क्लोबेटा शोल। सो गाइस इसको कितना यूज करना है, फर्स्ट एट ऑल आप इसको जब से आप स्टार्ट करते हो तो मिनोक्सिडिल को पहले लगा लो अपने बालों में, एंड उसके बाद आप इसको या फिर टॉपसर जो भी आपके पास लगा सकते हो। क्लोबेटा शोल को लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि आपने सबसे पहले जब आप स्टार्ट करते हो तो 25 ड्रॉप्स जो है आपने अपने बालों में लगाने, अर्थात 25 बूंद स्टार्टिंग टाइम पर 25 बूंद आपने लगाने, पाँच इधर पाँच इधर पाँच इधर पाँच इधर पाँच इधर, या फिर आप ऐसे भी करके लगा लो, कैसे भी पाँच पाँच बूंद करके नॉर्मली आप लगा सकते हो। जहाँ पर आपके स्कैल्प है वहाँ पर ज़्यादा फोकस करोगे, एंड जहाँ पर बाल आपके हैं नॉर्मल तो वहाँ पर आप बहुत धीरे धीरे फोकस करके नॉर्मली आप वहाँ पर यूज कर सकते हो गाई। एंड जो आपके बालों लग रहा है कि आपका कुछ ऐसा इम्प्रूव नहीं मिल रहा है इम्प्रूवमेंट, तो सबसे पहले आप फिर मिनोक्सिडिल से पहले आप टॉपसर या फिर क्लोबेटा शोल का यूज करोगे, एंड उस वक्त आपके जो ड्रॉप्स है वो बढ़ जाएंगे, 25 से आप 30 या 35 ड्रॉप्स कर लेंगे। तो आओ सबसे पहले इसको खोल के अप्लाई करते हैं अपने बालों में कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। सबसे मस्त रहेगा कि आप ये गंजा हो जाते हो, मतलब जीरो हो जाओ, वन हो जाओ, कुछ भी, तो सबसे बेटर अपने बालों को ट्रीटमेंट के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, बहुत ज़्यादा इंप्रूव मिलता है बालों में हमारे, तो सबसे बेटर यही है कि हम अपने बालों को थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं गंजा हो जाए, पूरी तरह से गंजा नहीं पर नॉर्मली हो जाना चाहिए। गाइस आप देख पा रहे हो ड्रॉप, बिल्कुल ड्रॉप की तरह बनी हुई है चीज़ें। मैं आपको थोड़ा कैमरे में फोकस करके दिखाता हूँ, एंड आप नॉर्मली इसको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। तो जो मेरे लिए इजी है मैं वो आपको करके दिखाता हूँ। मैं इसको यूज करूँगा इधर से, थोड़ा मैं आगे आता हूँ, ठीक है, अब दिखेगा आपको अच्छे से। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21। कहीं आप देख लो, जैसे आपके बालों में मैंने अपने 21 ड्रॉप डाल दिए हैं, एंड मेरे पास 4 ड्रॉप अभी बच गए हैं। अभी तो मुझे 35 ड्रॉप डालना था, बट आफ्टर मैं इस वीडियो में आपको 25 ड्रॉप की करके बताऊंगा। जैसे 4 ड्रॉप बच गया तो आपने 4 ड्रॉप वहाँ डालना है पर जहाँ पर आपके स्कैल्प ज़्यादा दिख रहे हैं। जैसे अब मेरे यहाँ पर स्कैल्प मतलब बालों में ज़्यादा दिखते हैं, तो मैं एक ड्रॉप यहाँ पर डालूंगा, यस पड़ गई, एंड एक ड्रॉप मैं इधर डालूंगा जिससे कि मेरे स्कैल्प में ज़्यादा फोकस हो। एक ड्रॉप मैं बीच में डालूंगा, एंड एक ड्रॉप में थोड़ा पीछे डाल दूंगा, यस हो गए मेरे टोटल हो गए 25 ड्रॉप। एंड ड्रॉप डालने के बाद आपने हल्के हाथों से अपने सर पर मसाज करनी है 2 से 3 मिनट तक। एंड उसके बाद क्या करना है कि आप मिनोक्सिडिल उसके बाद यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कब जब आप 3 महीने हो गए फिर आपके बालों में इंप्रूवमेंट कुछ ज़्यादा नहीं दिख रही, डैंड्रफ नहीं जा रहे, तब आप ऐसा करोगे। एंड अदरवाइज आप नॉर्मली पहले मिनोक्सिडिल अप्लाई करोगे, उसके बाद आपने क्लोबेटा शोल या फिर टॉपसर जो भी है व्हाटएवर आपने वो यूज़ करनी है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है टॉपसर के प्राइस है 90 रुपीज़, मैंने उसका ऑलरेडी रिव्यू डाला हुआ है, एंड क्लोबेटा शोल का है 20 75 रुपीज़। आप टोटल गाइस यदि मेरा एक्सपीरियंस लो, आप मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करूँ, तो क्लोबेटा शोल टॉपसर से कहीं ज़्यादा मुझे बेस्ट लगा, बेटर लगा, क्योंकि क्लोबेटा शोल आप लोग के बालों में जल्दी इंप्रूव लाता है, टॉपसर कहीं ना कहीं थोड़ा सा नॉर्मल आता है क्योंकि मीठा भी है, एंड क्लोबेटा शोल थोड़ा गर्म लगता है सरों में, ये इसका थोड़ा सा बेनिफिट दिखता है मुझे। कि तो मैं आपको बोलूँगा कि टॉपसर एंड क्लोबेटा शोल में आपको क्लोबेटा शोल यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप फर्स्ट एट ऑल टॉपसर भी यूज़ कर सकते हो बट क्लोबेटा शोल बेटर है इन चीज़ों से। अब उसके बाद दोनों हल्के हाथों से मिलाने के बाद आप उसको छोड़ दो, एंड शैम्पू आपने करनी हो, मैंने बताई रखा है ऑलरेडी आप लोगों को कि अब एक वीक में 3 डेज आपने शैम्पू करनी है,
मंडे वेडनसडे एंड फ्राइडे, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी उस चीज़ की, एंड उसके बाद फिर आपने मंडे को वही सेम रूटीन करनी है। क्लोपीटासोन का भी वही चक्कर मैंने बताया हुआ आप लोगों को कि इसको वन वीक में 5 डे लगाना है एंड सैटरडे संडे शाम को नहीं लगाना है, पहले उसको सुबह लगाना होता था वही, क्योंकि जैसे आपके बालों में इंप्रूवमेंट दिख रही है तो आप एक टाइम लगाओ, इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है तो 2 टाइम लगाओ। ओके गाइस, आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, एंड आपको क्लोपीटासोन से जुड़ी हुई, टॉप से जुड़ी हुई, मिनोक्सिडिल से जुड़ी कोई प्रश्न है आपके मन में उठ रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो, एंड आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना एंड बेल आइकन में क्लिक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक you, thanks a lot, love you all guys, bye bye.